Hello students, today we are going to talk about standard 3rd math magic chapter number 8 और आज हम ये जो part 3 है third part है उसमें हम उस chapter की related exercise learn करेंगे. So यहाँ पर कुछ exercise मैंने ली है. Write the name of the things in the empty box of balance scale on the basis of their weight as shown in the example. तो यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है हैवियर थिंग्स की और लाइटर थिंग की. तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर वाटरमेलन रखा है और यहाँ पर एप्पल रखा है. तो एक जो है वो हैवियर है और एक जो है वो लाइटर थिंग है. तो जो आपको पता है कि अगर हम तराजू पर ये समझ ही लेना है कि ये तराजू है, तो जो भी चीज़ हैवियर होगी, आगे हमने लर्न किया था, वो पलड़ा नीचे की ओर झुकेगा और जो भी लाइटर होगी वो ऊपर की ओर उठेगा. यहाँ पर वाटरमेलन और एप्पल दोनों की कंपैरिजन में कौन हैवियर है? वाटरमेलन तो वो नीचे की ओर है और एप्पल जो है वो ऊपर की ओर है. तो सेकंड है बकेट एंड कप. तो यहाँ पर बकेट और कप दोनों में से कौन सी चीज़ जो है वो हैवियर होगी और कौन सी चीज़ है वो लाइटर होगी, सोचो. राइट, बकेट जो है वो हैवियर है, सो यहाँ पर आएगा बकेट और यहाँ पर आएगा कप. अब नेक्स्ट है फुटबॉल और स्मॉल बॉल. फुटबॉल और स्मॉल बॉल में सबसे हैवियर कौन होगा? फुटबॉल. तो फुटबॉल आएगा नीचे की ओर और स्मॉल बॉल आएगा ऊपर की ओर. अब नेक्स्ट है स्कूल बैग और बुक. तो स्कूल बैग और एक बुक में सबसे भारी होगा हमारा स्कूल बैग, राइट? तो यहाँ पर नीचे की ओर स्कूल बैग आएगा और यहाँ पर आएगा बुक. अब नेक्स्ट है बिस्किट और चॉकलेट. तो बिस्किट और चॉकलेट में हमें पता है कि बिस्किट जो है वो ज़्यादा होते हैं और चॉकलेट तो थोड़ी होती है, छोटी सी. तो यहाँ पर बिस्किट जो है वो हैवियर होगा और चॉकलेट जो है वो लाइटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया ही गया है हैवियर थिंग और लाइटर थिंग. तो यहाँ पर जो हैवियर थिंग है वो नीचे की ओर लिखना है और लाइटर थिंग है वो ऊपर की ओर लिखना है. तो यहाँ पर आएगा बिस्किट. और यहाँ पर आएगा चॉकलेट. अब सिक्स है फाइव पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स और टू पैकेट्स ऑफ बिस्किट. तो ये हैवियर है और ये लाइटर है. तो फाइव पैकेट्स जो है वो नीचे की ओर आएंगे और टू पैकेट्स जो है वो ऊपर की ओर आएंगे. नेक्स्ट है एलिफेंट और हॉर्स. तो एलिफेंट हैवियर होगा, हॉर्स लाइटर. तो हैवियर नीचे की ओर, यानी कि एलिफेंट जो है वो नीचे की ओर और हॉर्स जो है वो ऊपर की ओर. अब है हेलमेट और कैप. तो हेलमेट हैवियर है, तो हेलमेट नीचे की ओर आएगा और कैप जो है वो ऊपर की ओर. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, जो हैवियर है वो नीचे की ओर और लाइटर जो है वो ऊपर की ओर तराजू में आएगा, ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुट राइट ऑन द ऑब्जेक्ट्स वेटिंग मोर देन 1 kg और पुट रॉन्ग ऑन द ऑब्जेक्ट्स वेटिंग लेस देन 1 kg इन द गिवन. तो यहाँ पर आपको सर्कल दिया गया है, जिसका वेट मोर देन 1 kg होगा वहाँ पर आपको राइट टिक करना है और जिसका लेस देन 1 kg होगा वहाँ पर आपको क्रॉस करना है, ठीक है. तो जो बनाना है तो उसका मोर देन 1 kg आएगा या लेस देन? ऑब्वियसली मोर देन, राइट कि लेस देन?
बनाना एक ही है तो उसका वेट लेस देन 1 kg आएगा। तो यहाँ पर हमें बनाना है क्रॉस। यहाँ पर कलर्स का बॉक्स दिया गया है, वो मोर देन 1 kg आएगा या लेस देन 1 kg? लेस देन 1 kg। और यहाँ पर एक लड़का है तो उसका वेट मोर देन 1 kg या फिर लेस देन 1 kg? तो उसका मोर देन आएगा। तो यहाँ पर हम राइट टिक करेंगे। चेयर हैवी होती है या लाइटर? तो वो हैवियर होती है तो उसका मोर देन 1 kg। राइट, यहाँ पर एक डॉल है, डॉल का वेट लेस देन 1 kg। फैन तो उसका वेट मोर देन 1 kg तो राइट आएगा। डस्टर है, डस्टर का वेट लेस देन, तो यहाँ पर रॉन्ग। वाटरमेलन का मोर देन, राइट। कंपस बॉक्स का लेस देन, रॉन्ग। कैमरा का मोर देन 1 kg आएगा या लेस देन? लेस देन। पिजन का मोर देन 1 kg, पपी का मोर देन 1 kg। यहाँ पर आपको आटा पीसने की जो चक्की होती है वो है तो उसका मोर देन। कटोरी का लेस देन और मैंगोज का मोर देन। सो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट द वेट। यहाँ पर आपको मेजरमेंट के लिए वेट दिए गए हैं और ऊपर कुछ चीज़ें रखी हुई है तो उसका मेजरमेंट करना है। और यहाँ पर वो वेट मशीन में यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि उस चीज़ का वेट कितना है। सो यहाँ पर पर्स रखा हुआ है या फिर बैग कह सकते हैं, तो बैग रखी हुई है तो उसका वेट जो है वो कितना आएगा? 100, यहाँ पर ग्राम है, जी मतलब ग्राम, तो यहाँ पर लिखना होगा 100। केक का वेट कितना है? 800 ग्राम। फिर यहाँ पर शुगर की बैग है, उसका है 500 ग्राम। यहाँ पर है रैबिट, रैबिट का 3 kg है। और ये मेज़रमेंट देखो, यहाँ पर उसकी जो सुई है वो बीच में है, यानी कि उसका वेट कितना हुआ? 3 kg। फिफ्थ, यहाँ पर आपको सूटकेस रखी हुई है और यहाँ पर 2 kg का वेट रखा हुआ है तो उसका वेट कितना होगा? 2 kg। यहाँ पर पाइनएप्पल है और यहाँ पर वेट कितना रखा हुआ है? 1 kg। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? 1 kg तो लिखा हुआ ही है। यहाँ पर बुक है और यहाँ पर वेट जो है वो 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम लिखा है, तो 200 प्लस 100 कितने हुए? 300 ग्राम। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, बैलेंस द स्केल पुटिंग एप्रोप्रिएट वेट। यहाँ पर आपको बैलेंस दिया गया है यानी कि तराजू दिया गया है, वहाँ पर एक पलड़े में कुछ चीज़ रखी है तो उसके एप्रोप्रिएट हमें यहाँ पर वेट दिए गए हैं, 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर पलड़े में वो वेट रखना है। सो यहाँ पर 5 kg की चीज़ दी गई है तो यहाँ पर देखते हैं 5 kg का वेट है तो डायरेक्ट वही रख देंगे। यस है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 kg का वेट आएगा। अब सेकेंड में है 3 kg, तो 3 kg का वेट तो नहीं है तो क्या करें अब? तो कोई भी वेट का प्लस करके 3 kg बना देंगे। 5 + 2 = 3 होगा? नहीं। 2 + 1 = 3 होगा? यस। तो यहाँ पर 2 kg का और 1 kg का वेट रखेंगे, प्लस 1 kg, ठीक है। अब है यहाँ पर थर्ड नंबर पर 12 kg रखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन से दो वेट्स जो है उसका प्लस करके हम 12 बना सकते हैं? तो 10 kg और 2 kg, 10 + 2 = 12 हुआ, तो यहाँ पर 10 + 2 kg का वेट रखेंगे, राइट।
टेन के जी प्लस टू के जी, अब है फोर, तो फोर में यहाँ पर 18 केजी की चीज़ रखी हुई है, तो यहाँ पर हमें 18 पर कितने कितने वेट रखने होंगे, यहाँ पर 10 प्लस 5 15 प्लस 2 16 17 और प्लस 1 18, तो ये सारे के सारे वेट जो है वो यहाँ पर रखेंगे तब 18 केजी होगा। तो यहाँ पर आएगा 10 केजी प्लस 5 केजी प्लस 2 केजी प्लस 1 केजी, सो ये सारे वेट यहाँ पर रखेंगे तब इस इक्वल टू 18 केजी होगा। सो ये थी हमारी चैप्टर 8 की एक्सरसाइजेस।